स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आए, जिसमें आपका नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले डियर स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये रीजनिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। तो हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। जो आपका सर्कुलर टेबल की ओर जो है वो क्या है, फेस किए हुए है सेंटर की ओर। ईच ऑफ देम इज़ रिलेटेड टू पी, आपका जो है वो सारा का सारा आपका पी से रिलेटेड है। जैसे कि आपका कोई सन, कोई डॉटर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर एंड वाइफ, ऐसे आपका पी से रिलेटेड है। तो एक हमको सबसे अच्छा क्लू मिल गया यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे कि आपका सारा यहाँ स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे पहले। जैसे पी के बारे में बोला कि पी से आपका कोई ना कोई रिलेटेड है, किसी भी तरीके से सारा आपका रिलेटेड है। तो पहले आपकी पी की वाइफ के बारे में चर्चा किया गया, तो पी आपका मेल हो जाएगा। पी का कोई ना कोई भाई होगा, पी की कोई ना कोई बहन होगी, और यहाँ पे देखा जाए तो ये बहन भाई होंगे, तो पी के माता पिता होंगे कन्फर्म, है ना, और पी के दो बच्चे भी, एक सन एंड डॉटर का भी चर्चा किया गया। यहाँ तक तो मेरा स्ट्रक्चर एकदम शॉर्टकट से रेडी हो गया है। हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों एक फैमिली ट्री हो गया ये आपका। दूसरा आपका यहाँ पे हम लोग एक सर्कल लेकर चलेंगे, सर्कल वाले में हम लोग देखेंगे क्या, जो मेरा एकदम श्योर इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग उसको वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, और तब मेरा दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर्कल में देखिए आपका सबका फेस आपका क्या है, इनसाइड दिया गया, ठीक है, ये यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि आर ब्रदर इज सीटेड अपोजिट टू द यू सिस्टर, मतलब क्या है, आर का जो भाई है वो यू की सिस्टर के अपोजिट में बैठा हुआ है। अब देखो मेरे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम एक चीज़ लिख लेंगे यहाँ पे कि आर का कोई ना कोई भाई होने वाला है, ठीक है, ये यू की कोई ना कोई क्या है, बहन होने वाली है, ठीक है। तो आर आर का भाई है और यू की बहन के ठीक अपोजिट में बैठा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे कि पी सिस्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हु इज़ मैरिड, मतलब क्यू जो है वो मैरिड है, क्यू जो है वो क्या है आपकी मैरिड है, और पी की जो बहन है, मतलब पी यहाँ और इसकी बहन यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग एरो कर दे रहे हैं, पी इसकी बहन यहाँ पे हो जाएगी, तो वो क्यू के क्या है सेकंड टू द लेफ्ट में बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि डब्लू सन सिट अपोजिट टू हिज फादर, मतलब डब्लू का जो पुत्र है वो अपने पिताजी के ठीक अपोजिट में बैठ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ भी हुज सन सिट अपोजिट टू टी, मतलब पी जो है वो भी के दाहिने तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, और भी का जो पुत्र है वो टी के अपोजिट में बैठा हुआ है। कहने का मतलब हुआ, देखो जितना छोटा क्वेश्चन उतना बड़ा जहर, समझ रहे हो ना, जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा आपका उतना बड़ा जहर रहेगा, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी, उतना ज़्यादा कंट्राडिक्शन रहेगा उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, क्योंकि मेरा जितना श्योर इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले हम लोग इसको इस पर बिठा लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि कहीं से भी लेकर बना सकते हो आप, ये भी को यहाँ रखोगे तो 1, 2, 3 पी आपका यहाँ पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, पहला क्या कि पहला आर का भाई होना चाहिए, दूसरा यू की बहन होनी चाहिए। तो मेरा पहला क्या है कि हम लोग आर का भाई यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, आर का भाई यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू की बहन यहाँ भी हो सकती है ना, और यू की बहन आपकी यहाँ भी हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यू की बहन अगर इसको मानते हैं, और यहाँ पे अगर आर का भाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यू की बहन ये और आर का भाई ये हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चंस में कि मेरे पास एक बच रहा है क्या क्वेश्चंस में, डब्ल्यू भी आपका मैरिड होगा क्योंकि इसके सन के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, भी भी आपका मैरिड होगा क्योंकि इसके भी सन के बारे में चर्चा किया गया। तो आपका भी, क्यू और डब्ल्यू तीनों का कोई ना कोई सन है, उसके बारे में आपका मेंशन किया गया है क्वेश्चंस में, तो वो आपका अनमैरिड नहीं हो सकता है। फिर क्या लिखा है, टी इज़ ब्रदर सिट बिसाइड पी, मतलब टी का भी कोई ना कोई भाई है,
टी का भी क्या है, कोई ना कोई भाई है, मतलब कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पे आपका टी नहीं बैठेगा, कि अगर यहाँ पे टी बैठेगा तो यहाँ पे आपका ये भाई नहीं होने वाला है और यहाँ कहीं भाई का चर्चा है नहीं। जब भी होगा तो मिडिल वाले जनरेशन में आपका एडजस्ट होने वाला है। फिर क्या है कि टी आपका यहाँ भी नहीं होगा, एक ही मेरा है कि टी आपका यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि एस इज़ वन ऑफ द फीमेल मेम्बर ऑफ फैमिली, एस इज़ वन ऑफ द फीमेल मेम्बर ऑफ फैमिली, मतलब एस जो है आपका वो फीमेल मेम्बर है फैमिली की, इतना आपका कन्फर्म किया गया, ठीक है। तो एस फीमेल है। अब देखो क्या है कि मेरे पास एक दो फीमेल है यहाँ पे, जिसमें से तीन आपका मैरिड है, तीन आपका क्या है मैरिड है, तो तीनों में से कहीं ना कहीं एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक यहाँ हो सकता है, तीनों में से कोई एक आपका यहाँ हो सकता है। इसके अलावा तीनों में से कोई भी एक भी आपका यहाँ आने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका मेल है और मेल के जगह आपका एस बैठने वाला नहीं है, तो ये वाला मेरा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग यू को यहाँ नहीं ले सकते हैं, हम लोग टी को यहाँ नहीं ले सकते, हम लोग आर को यहाँ नहीं ले सकते। तब मेरे पास क्या है, यू की सिस्टर थी ना, तो यू यहाँ पे यू की सिस्टर हो जाएगी और आर का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। तो आर का भाई हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि टी का भाई भी बोला है कि टी का भाई आपका कोई ना कोई है, तो टी का भाई कोई ना कोई है यहाँ पे, तो हाँ जो पी के क्या है ठीक आपका बगल में बैठ रहा है, तो टी का भाई कोई ना कोई है। अब हमको देखना है कि टी जो है वो टी का भाई पी कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ अगर टी रखेंगे तो टी का भाई यहाँ कन्फर्म हो सकता है, टी का भाई क्या हो सकता है यहाँ पे आपका कन्फर्म हो सकता है, तो हम लोग टी को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग टी को रखेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है, यू एंड आर सिट टुगेदर, यू और आर जो है वो सिट टुगेदर है। एक और चीज़ पहले लिखा था क्या कि आर का भाई और यू की सिस्टर जो है, आर का भाई और यू की सिस्टर जो है वो अपोजिट में बैठ रही है, तो आर का भाई कौन हो जाएगा पी और यू की सिस्टर क्या हो जाएगी टी, है ना। तो आर का भाई पी और यू की सिस्टर टी दोनों क्या है अपोजिट में बैठ रही है, ये फीमेल ये मेल भी के बारे में पता नहीं है अभी हमको, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस लिखा गया। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या है आपका कि पी की कोई ना कोई बहन होने वाली है। डब्लू सन सिट अपोजिट टू हिज फादर, डब्लू का जो सन है वो अपने पिताजी के ठीक अपोजिट में बैठ रहा है। उसके बाद एक और चीज़ लिखा गया था आपका कि टी ब्रदर सिट बिसाइड पी, टी का जो भाई है वो पी के बगल में बैठ रहा है, तो टी का भाई कौन है आपका यू, तो एक तो आपका यू इधर होने वाला है, एक तो आपका यू इधर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यू इधर हो जाएगा तो आर इधर हो जाएगा, यू इधर हो जाएगा तो आपका आर इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या है कि अगर हम लोग उस यू और आर को मानकर चलेंगे, तो एक और चीज़ लिखा था क्या, एक और चीज़ लिखा था कि डब्लू का जो पुत्र है वो क्या है अपोजिट है वो अपने पिताजी का। तो एक बात मानो यहाँ पे देखना क्या है कि W अगर यहाँ होगा तो यहाँ U के ठीक अपोजिट में तो V कभी नहीं होने वाला है, ठीक, तो यहाँ कभी W नहीं होगा। मान लो यहाँ अगर W होता है तो W के ठीक अपोजिट में कौन हो जाएगा, W का पुत्र हो जाएगा P, और P जो है ये यहाँ पे कभी नहीं बैठेगा क्योंकि P के अपोजिट में आपका T बैठा हुआ है, तो W यहाँ पे कभी बैठने वाला नहीं है। लेकिन W का एक और पुत्र है आपका R है, तो हम लोग क्या करेंगे W को यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा है क्या कि पी की जो बहन होगी वो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठेगी। तो सेकंड टू द लेफ्ट तो हमको कहीं जगह खाली दिख नहीं रहा है, इसमें कहीं भी जगह खाली है क्या, सेकंड टू द लेफ्ट अगर यहाँ पे क्यू को लेते हैं तो यहाँ दो नहीं होगा, यहाँ पे दो बैक करके या लेफ्ट करके होने वाला नहीं है आपका, है ना। पी की बहन सिस्टर नहीं होगी तो हम लोग यहाँ भी नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में कि यू को हम लोग इस साइड लेंगे, यू को क्या हम लोग करेंगे यहाँ पे इस साइड लेंगे और आर उसके ठीक टुगेदर में मतलब साथ में बैठेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस में आपका क्या है कि डब्लू का पुत्र अगर आर होगा, क्योंकि डब्लू तो यहाँ बैठ नहीं सकता है क्योंकि यू के अपोजिट में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे डब्लू होता है, ठीक, यहाँ पे तो डब्लू का कोई एक पुत्र है जो अपने पिता के ठीक अपोजिट में बैठ रहा है, इतना कन्फर्म किया गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है, नीदर ऑफ कपल सिट टुगेदर, मतलब कोई भी कपल जो है वो आपके
सिट टुगेदर, मतलब एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, ये भी आपका दिया गया है। तो कोई भी कपल जो है वो आपका सिट टुगेदर नहीं बैठ रहा है। आप देखो क्या है, आपका भी क्यू डब्ल्यू आपका तीनों मैरिड है और एस के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो एस आपका क्या हो जाएगा, अनमैरिड एस यहाँ पे, तो एस जो है वो क्या हो जाएगी, पी की सिस्टर हो जाएगी, पी की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, ठीक है, तो पी की सिस्टर हो जाएगी, तो डब्ल्यू वहाँ पे फिक्स हो गया। अब बचा आपका क्यू और भी आपका बच रहा है, क्यू और क्या क्या आपका बच रहा है, भी आपका बच रहा है। तो क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है, क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे कि पी सिस्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू मतलब क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठ रही है, पी की सिस्टर बैठ रही है, तो पी की सिस्टर एस हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आपका हो जाएगा। तो सिस्टर जो है वो फीमेल और आपका भी और क्यू हो रहा है, ठीक है, तो भी और क्यू हो रहा है आपका। तो यहाँ पे देखना क्या है कि डब्ल्यू और भी और पी और आपका क्यू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में क्या कि भी और क्यू के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है मेरा, ठीक है, क्यू हु इज़ मैरिड दिया है। अब देखो लिखा है क्या कि पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ भी हु सन इज सिट टू द अपोजिट ऑफ टी, मतलब कन्फर्म है कि भी का पुत्र कौन हो जाएगा आपका, पी होने वाला है। वहाँ पॉइंट नंबर फोर्थ में लिखा है कि पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ भी हुज सन इज अपोजिट टू द टी, मतलब टी के ठीक अपोजिट में आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका पी है जो अपोजिट में बैठा है वही भी का पुत्र है। जैसे ही भी का पुत्र है तो यहाँ क्या मेरा हो जाएगा, क्यू यहाँ पे मेरा एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चंस में कि आपका कपल जो है वो सिट टुगेदर नहीं होने चाहिए, मतलब आपका साथ में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखेंगे क्या कि आपका पी और क्यू है तो पी और क्यू आपका अलग अलग बैठ रहा है, भी और डब्ल्यू है तो भी और डब्ल्यू भी आपका अलग अलग बैठ रहा है, तो भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यू भी आपका प्लस हो जाएगा मेल है और आर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये और आपका क्यू जो है वो आपका फीमेल हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा वाला आपका जो पॉसिबिलिटी था क्वेश्चंस में कि अगर यू को यहाँ लेते हैं, अगर आर को यहाँ लेते हैं, या फिर अगर आप यू को यहाँ लेते हैं और डब्ल्यू तो यहाँ ले नहीं सकते थे, तो फिर डब्ल्यू आपका यहाँ भी नहीं, डब्ल्यू अगर यहाँ होता तो फिर क्यू और पी का पॉसिबिलिटी जो है वो सिट टुगेदर हो जाता, मतलब आपका कपल जो है वो साथ में बैठ जाते, ठीक है। तो ऐसे करके ये मेरा सारा अरेंजमेंट हो गया। एकदम हमेशा हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन विद सिटिंग अरेंजमेंट, तो आप क्या कीजिएगा कि आपका एक फैमिली ट्री भी बगल में होना चाहिए, एक आपका सर ये आपका सर्कल दे दे, फिर आपका रेक्टेंगल दे दे, या फिर आपका स्क्वायर दे दे, जो भी दे दे उसको भी साथ में लेकर चलिएगा, जो आपका श्योर इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मेरा बी और पी का श्योर इन्फॉर्मेशन था, है ना, और सिर्फ मेरा दो पॉसिबिलिटी बन रहा था यू और पी वाले में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था मेरे हिसाब से। तो आपका कम से कम पॉसिबिलिटी वाले में क्वेश्चंस आप लेकर बना सकते हैं, इसमें श्योर वाला इस पर बिठाइए, जो आपका इन्फॉर्मेशन मिलता जा रहा है उस पर नीचे नोट डाउन करके लिखिए और सारा आपका अरेंजमेंट क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए, तब आप मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन इसमें बाकी है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी वाइफ विद रेस्पेक्ट टू भी, मतलब भी के रेस्पेक्ट में पी की वाइफ का क्या पोजीशन है, तो सेकंड टू द लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाउ इज भी रिलेटेड टू, हाउ इज भी रिलेटेड टू यू, भी जो है यू से कैसे रिलेटेड है, तो हम यहाँ जहाँ से टू लगाया है वहीं पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि यू हम खड़े, ये मेरे पापा, पापा की माँ, मेरी कौन लगी, ग्रैंड मदर लगेगी, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रैंड मदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में फिर क्या लिखा है, फॉर ऑफ द फॉलोइंग बियर ए सिमिलर रिलेशन एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, मतलब आपका पांच में से चार जो है वो एक समान होगा और एक आपका वो जो आपका फॉलो नहीं करने वाला है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है पी, तो पी मेल हो जाएगा, यू यू मेल हो जाएगा आपका, आर आर मेल हो जाएगा कन्फर्म, ठीक है, क्योंकि पी का भाई है। फिर क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू भी आपका मेल हो जाएगा, ठीक है, तो बचा आपका क्यू, क्यू आपका फीमेल, तो आपका पांच में से चार क्या है, एक आपका ऑड हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं।
दूसरा वाला आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका इनपुट आउटपुट अरेंज किया गया है. व्हेन ए नंबर अरेंजमेंट मशीन इज गिवन एन इनपुट इट्स अरेंज देम फॉलोइंग ए रूल द फॉलोइंग इज द ऑफ इनपुट आर रीअरेंज. मतलब आपका जो इनपुट दिया गया है उसको क्या करना है, पहले इनपुट जो दिया गया उसको अरेंज करके उसका ट्रिक पकड़ना है कि उसमें किया क्या गया है. उसके बाद नए वाले इनपुट को क्या करना है, हम लोग को अरेंज करना है और अरेंज करके देखना क्या है कि इसका आंसर क्या क्या आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रहा है. तो पहले जो अरेंजमेंट दिया गया हम लोग उस पर चलते हैं और उसके हिसाब से देखेंगे कि इसको कैसे अरेंज किया गया. ये आपका 38 दिया गया है, फिर आपका दिया गया 64 दिया गया है, फिर आपका 53 दिया गया है, फिर आपका 81 दिया गया है, 76 दिया गया है, 49 दिया गया है, 24 दिया गया है, 95 दिया गया है. अब चलिए नीचे क्या लिखा है, 114 है, 192 है, 106 है, 162 है, 228 है, 98 है, 72 है और 190. ठीक, ऐसे करके दिया गया. उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चंस में, ये ऐसे करके एक एरो दिया गया है यहाँ पर, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, 106 और 228. ठीक है, ऐसे करके रिलेशन दिया गया. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 220, 30, 334, 64, 392. ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टेप वन है, ये आपका स्टेप टू है और ये आपका स्टेप थर्ड यहाँ पे दिया गया. स्टेप थर्ड क्या लिखा है, 16 9 100 109 121. ठीक है, फिर आपका स्टेप फोर वाले में क्या दिया गया है, ये 8 3 25 21.5. ओके, फिर आपका 17.2, ऐसे करके दिया गया. तो हम लोग देखेंगे क्या कि आपका इनपुट दिया गया, अगर ये वाला हमको अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा तो इसके बाद वाला जो भी मेरा नया वाला इनपुट दिया गया उसको हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में आपका क्या लिखा गया है, क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं. 114 है ना आपका. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ऐसा क्या किया गया है इसमें, है ना. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ऑड इवन भी है क्या, इसमें आपका ऑड इवन करके दिया गया. देखो जरा सा, 38 आपका क्या है, इवन है, ये भी आपका इवन है, ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, ये आपका क्या है, ऑड है, ये आपका इवन दिया गया, ये आपका ऑड दिया गया. ठीक है, अब क्या है इसमें कि ऑड इवन तो हमको समझ में आ रहा है. ठीक है, ऑड इवन समझ में आ रहा है हमको. एक राउंड फिगर का नंबर उठाते हैं, देखते हैं क्या किया गया है. राउंड फिगर मतलब ऑड, 95 और इसको 190 लाया है. ठीक है, तो 95 दुना 190. हाँ ठीक है, तो ऑड वाले को क्या कर रहा है आपका, 2 से गुना कर रहा है. ठीक है, और इवन वाले को क्या कर रहा है, 24 3 72, इवन वाले को 3 से. तो पहला वाला स्टेप में मेरा क्या निकल कर आया है कि इवन वाला जो भी है उसको 3 से गुना कर रहा है और आपका जो ऑड वाला है उसको कितना से गुना कर रहा है आपका, उसको आपका गुना कर रहा है 2 से, कंफर्म. अब देखो 38 है, 38 को गुना करेगा 3 से तो 114 होगा, 64 को 3 से गुना करेगा तो 192 होगा, आपका ऑड नंबर 53 को 2 से गुना करेगा तो 106 होगा. ऑड को 2 से गुना कर रहा है और आपका इवन को क्या कर रहा है, 3 से गुना कर रहा है. 81 आपका ऑड है, 81 को 2 से गुना करेगा 162 होगा, इवन को अगर गुना करेगा 3 से 228 होगा, 76 को, 49 को 2 से गुना करेगा तो 98 होगा, इवन वाले को 2 से गुना करेगा 72 होगा, 95 into 2 190. तो पहला वाला स्टेप समझ में आया, ये जो आपका स्टेप है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जो भी नंबर आपका टाइप का जो थर्ड टाइप होता है आपका नंबर अरेंजमेंट का, वो आपका स्टेप किसी से रिलेटेड नहीं होता है. ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है कि आपका ये वाला जो है, ये वाला जो है फर्स्ट से सेकंड कैसे अरेंज किया है, फर्स्ट से सेकंड आपका कैसे अरेंज किया है. देखो ये क्या है, 114 और 206, 6 4 10 2. हाँ, इसको क्या किया है, जोड़ दिया है, 114 और 106 को जोड़ दिया है. 192 और 162 को क्या किया है देख लेते हैं, ये तो लग रहा है घटाया है, हाँ घटाया है, ये माइनस किया है. 106 228 को क्या किया है, जोड़ा है, फिर माइनस करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर आपका माइनस करेगा.
मतलब एक में जोड़ रहा है, अल्टरनेट जोड़ रहा है, अल्टरनेट ऐड कर रहा है आपका, और अल्टरनेट क्या कर रहा है आपका माइनस कर रहा है। तो बच्चों समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखना है कि थर्ड से आपका फोर्थ वाला स्टेप कैसे निकाला है, थर्ड से आपका फोर्थ वाला स्टेप आपका कैसे निकालना है, यही कर रहा है ना। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, देखना क्या है, ये आपका 220 था 16 लाया, 30 था 9 लाया, 334 था 100 लाया, 64 था 100 लाया, 300 था 9 लाया, 92 था 121 लाया। देखो स्क्वायर लग रहा है नीचे, सारा क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, 121, 9, 100, 100, 9 और 16, सारा क्या लग रहा है आपका, स्क्वायर लग रहा है। जब स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे स्क्वायर ऊपर से आया कैसे, स्क्वायर आपका कैसे आया है, ठीक है। तो देखेंगे 224 और 4 का स्क्वायर किया 39, 33 आपका 6, 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 11 का स्क्वायर आपका क्या कर रहा है, 121 कर रहा है। मतलब स्टेप थर्ड वाले में क्या कर रहा है कि नंबर सम ऑफ नंबर का क्या कर रहा है, स्क्वायर, पहले सारे नंबर को जोड़ दिया है और जोड़ कर क्या कर रहा है आपका, स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है। अब देखना क्या है कि आपका लास्ट वाला स्टेप में क्या करना है, लास्ट वाला स्टेप अगर देखेंगे डेसिमल में आया है, देखो यहाँ पे 16 का आधा किया 8, 9 का थर्ड पार्ट किया, इसका फोर पार्ट किया, इसका फिफ्थ किया, इसका सिक्स्थ, इसका सेवन्थ, मतलब क्या है कि लगातार कंटिन्यूसली जो आपका है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड कर रहा है नंबर से। मतलब यहाँ पे नंबर से डिवाइड करेगा आपका, 2 से स्टार्ट करेगा, फिर 3 से स्टार्ट करेगा, है ना, ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं, 2 से 3 से डिवाइड करेगा, फिर आपका 4 से डिवाइड करेगा, फिर आपका 5 से डिवाइड करेगा, 6 से डिवाइड करेगा, फिर आपका 7 से डिवाइड करेगा। तो ये है आपका इनपुट आउटपुट, ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका नंबर अरेंजमेंट वाले में पूछेगा। तो याद रहे ऐसा क्वेश्चंस को प्लीज़ ऐसे ही अटैम्प्ट लेना आप लोग जितना स्पीड में हो सके, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चंस देखिए क्या लिखा है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, नए वाला जो इनपुट होगा उसको हम लोग वैसा ही अरेंज करेंगे, ठीक है। हम लोग स्टेप रहने दे रहे हैं, सिर्फ उसको लिख देना है और लिख के क्या करना है, लिख के आपका अरेंज कर देना। 33 है, 33 है, 89 है, 28 है, 61 है, 78 है, 46 है, 11 है और आपका 88 करके दिया गया, ठीक है। अब फिर से क्या करेगा इसका, इसका आपका जो भी आपका इवन नंबर रहेगा उसको 3 से गुना करेगा, ऑड नंबर रहेगा वो क्या करेगा, 2 से गुना करेगा। तो हम लोग गुना करके लिख दे रहे हैं, है ना, गुना करके क्या है लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या है ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका इवन नंबर है, ये आपका इवन नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका इवन नंबर, मतलब इवन वाले को 3 से और ऑड वाले को 2 से गुना कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, गुना करके लिखेंगे 66 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 78 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, 234 हो जाएगा, 138 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और 264 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पहला वाला स्टेप हो गया, दूसरा वाला स्टेप में क्या करेंगे, ये ऐसे करके इसका अरेंजमेंट करेगा, ये ऐसे करके इसका अरेंजमेंट करेगा, एक में माइनस एक में क्या करेगा प्लस करने वाला, यहाँ पे क्या करेगा प्लस करेगा माइनस करेगा प्लस करेगा, है ना, माइनस करेगा फिर यहाँ प्लस और यहाँ क्या क्या करेगा माइनस करने वाला है। तो देखना क्या है, अब देखिए इसको प्लस माइनस करते हैं हम लोग कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ 150 आएगा, 66 और 84 को जोड़ेंगे पहले वाले को 150 आएगा, दूसरा वाला में घटाएंगे 178 में से 22 जाएगा तो यहाँ कितना होगा 56 होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे 84 और 234 को जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है 200, ये 318 होगा, ठीक है। फिर आपका क्या करेंगे हम लोग,
122 में से 138 में से 122 को घटाएंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, 256 आएगा, 100 आपका कितना आने वाला है, 26 आने वाला है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या है, दूसरा वाला स्टेप निकल गया। अब तीसरे वाले स्टेप में क्या किया गया, सम ऑफ नंबर और नंबर का स्क्वायर किया गया है। तो 5 × 6 = 36, ठीक है, और यहाँ पे 11 × 5 = 11 121 हो जाएगा, 8 और एक 9 × 9 = 12 144 हो जाएगा, 6 × 7 आपका 49 हो जाएगा, 5 × 2 = 7 613 169 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 309 81 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब क्या है कि नंबर 3 से 4 वाले में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लेकर। आपका 2 3 से डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड करेगा, 5 से करेगा, 6 से करेगा, 7 से करेगा। ठीक है, तो नंबर 4 वाले में देखो क्या आने वाला है, डिवाइड करके ये 18 आएगा, डिवाइड करोगे तो ये 40.3 आएगा, फिर आपका 36 आएगा, फिर आपका 9.8 आएगा, फिर 28.1 आएगा, फिर 11.5 आने वाला है। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया स्टेप बाय स्टेप करके। आप लोग देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, पैटर्न इसका यही है। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसका पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप थर्ड। मतलब आपका स्टेप थर्ड वाले में, स्टेप थर्ड वाले में क्या है, लेफ्ट इंड से चौथा एलिमेंट 1 2 3 4 49, ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट राइट इंड स्टेप 4, राइट इंड स्टेप 4 सेकेंड 1 2, दोनों को माइनस करने पे आपका कितना आ रहा है, तो माइनस करो, है ना, और देखो आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आने वाला है 20.9। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन स्टेप थर्ड। तीसरे वाले में कितना इवन नंबर है आपका, ठीक है, तो इवन नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, इवन नंबर यहाँ पे 36 है और आपका 144 है, मतलब दो ही आपका इवन नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा गया व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट स्टेप, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 2। मतलब आपका प्रोडक्ट क्या होगा सेकेंड एलिमेंट, मतलब राइट एंड स्टेप 2, स्टेप 2 में आपका राइट एंड से दूसरा 256, ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्टेप थर्ड। सेकेंड एलिमेंट जो है लेफ्ट एंड स्टेप थर्ड, ये आपका 169, दोनों को गुना कर दो, 256 × 169, अगर ऑप्शंस में है तो सही, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ लास्ट स्टेप, व्हाट इज़ द सम ऑफ लास्ट स्टेप, मतलब लास्ट वाले स्टेप का आपका सम कितना होगा ये हमको बताना है। तो सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आपका सारा का सम निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका साइलो है, है ना, साइलो वाला क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि सम पेंसिल आर पेन, ये हम लोग पहले फिगर बना लेंगे। सम पेंसिल आर क्या लिखा है, पेन, तो सम बोला ना, फिर क्या लिखा है, ठीक है, सम पेन आर बोर्ड लिखा है, सम पेन आर क्या लिखा है, बोर्ड लिखा है। ठीक है, तो हम लोग अगर ABCD अगर आपका वेन डायग्राम पे पढ़े होंगे, हम लोग को पता होगा सम ए इज़ बी एंड सम बी इज क्या हो जाएगा सी। इस AC वाले में कोई रिलेशन नहीं चलता है, ना तो ऑल वाले केस में, ना तो नो वाले केस में, ना तो सम वाले केस में, ना ही आपका सम नॉट वाले केस में AC का रिलेशन क्या होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि दूर का रिश्ता हो जाता है इसलिए रिलेशन आपका नहीं चलेगा। पहला वाला क्या लिखा है कि सम पेंसिल आर नॉट बोर्ड, सम पेंसिल्स आर नॉट बोर्ड, तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा कि सम पेंसिल्स आर नॉट बोर्ड बोल रहा है। कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है क्वेश्चंस में आपका लिखा क्या गया है कि सम पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है। सम रिंग आर ब्लू, ठीक है, और नो ब्लू इज क्या हो जाएगा, रेड। मतलब कुछ ए आपका बी है और कोई भी आपका क्या है, सी नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है कि सम रिंग आर नॉट रेड। तो यहाँ क्या है, देखना क्या है हमको, ये दोनों चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे लिखा है क्या कि सम रिंग आर नॉट रेड, ठीक है। यहाँ तो ये नॉट नहीं लगा क्योंकि इस वाले में तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ वाले में नॉट भी लगा हुआ है आपका इस चीज़ में स्टेटमेंट में, तो कंक्लूजन में भी नॉट चलेगा। तो ये सही कैसे होगा ये हमको देखना है। सम रिंग लिखा गया ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सम रिंग लिखा गया ना कि सम रिंग आर नॉट रेड है आपका, ठीक है। तो कुछ जो रिंग है, तो कुछ रिंग आपका किससे रिलेटेड है, ब्लू से, और हमको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका ब्लू रेड में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ब्लू रेड में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला पार्ट है और ब्लू का भी है, ये वाला पार्ट आपका रिंग का भी है, तो ये वाला पार्ट कभी रेड हो सकता है क्या, या है नहीं। तो सम रिंग आर नॉट रेड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कुछ रिंग वाला पार्ट ब्लू में है और ये ब्लू वाला पार्ट जो है टोटल रेड नहीं है। जो बीच वाला पार्ट होगा जो रिंग और ब्लू से रिलेटेड होगा, वो कभी भी रेड नहीं हो सकता है या नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्या लिखा है, सम रेड आर नॉट रिंग, ये सम जो ये रेड है, ये सम से किसी भी केस में किसी से कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो ये जो है वो सम के केस में रिलेशन नहीं रखेगा, तो इसका कौन सा सम वाला पार्ट है हमको तो पता नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन है कि ऑल ब्लैक आर सिल्वर हो जाएगा, नो सिल्वर इज रोड, सही है। ऑल ए इज बी, नो बी इज सी। अब देखो ए का रिलेशन बी से है, सभी ए आपका बी है और कोई भी आपका सी नहीं है। तो यहाँ अगर सारा ए आपका बी में आ रहा है और पूरा बी आपका सी से रिलेटेड नहीं है, तो कोई भी सी आपका ए से रिलेटेड नहीं होगा, हमेशा याद रखिए। क्योंकि छोटा वाला घर जो बड़े वाले घर के अंदर बंद है, जब बड़ा वाला घर का ये वाले घर से मतलब नहीं, तो फिर छोटा वाला घर ये वाला घर से मतलब हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि नो ब्लैक इज रोड, बिल्कुल सही है, ठीक है। सम सिल्वर आर नॉट रोड, कुछ जो सिल्वर है वो रोड नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि जहाँ नो का कंक्लूजन चलेगा वहाँ आपका सम नॉट भी चल सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी सही है। तीसरा वाला लिखा है कि सम रोड आर नॉट सिल्वर, ये भी सही है आपका। चौथा वाला सम रोड आर नॉट ब्लैक, कुछ जो रोड है वो ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका ऑल आर क्या हो जाएगा, आपका ऑल आर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया।